प्रणाम एवरीवन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सीबीएसई इंग्लिश क्लास 10th यूनिट 9 मैडम राइड्स द बस फोर्थ पार्ट। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब कंडक्टर ने उस बच्ची को उसका टिकट देते हुए पूछा कि क्या आपकी मम्मी आपको नहीं ढूंढ रही होगी। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। यानी वह बोली कि नहीं नहीं मुझे तो कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, अब बस शुरू हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर से अद्भुत दृश्य सामने आने लगे। वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। मीन्स वली जरा भी बोर नहीं हुई और वह हर चीज़ को उसी उत्साह से देख रही थी जैसा पहली बार हुआ था। बट सडनली शी सा अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। किंतु अचानक उसने गाय को रोड साइड पे मृत अवस्था में देखा, ठीक वहीं जहां उसे किसी तेज चलती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय तो नहीं थी जो हमारी जब हम शहर की ओर जा रहे थे तो हमारी बस के आगे दौड़ रही थी। The conductor nodded. यानी कंडक्टर ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। And she was overcome with sadness. और अचानक वो उदासी से भर गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, haggard, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. मीन्स थोड़ी देर पहले कितनी प्यारी सुंदर सी प्राणी ने अचानक अपना आकर्षण खो दिया और अब वह कितनी भयावह, कितनी डरावनी जैसी वह पड़ी हुई थी। उसकी टांगें फैली हुई थी, उसकी मृत आंखों में स्थिर दृष्टि थी और चारों ओर खूनी खून पड़ा हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, अब बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, मीन्स मृत गाय की यादें उसे आती रही। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, यानी इसने उसका उत्साह ठंडा पड़ गया था। She no longer wanted to look out the window, means अब वह खिड़की में से बाहर नहीं देखना चाह रही थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40, means वह ऐसे ही बैठी रही जैसे कि उसे गोंद से चिपका दिया हुआ उसकी सीट पर, और जब तक कि बस 3:40 तक गांव में नहीं पहुंच गई। She stood up, वह खड़ी हुई। And stretched herself, और उसने अपने को फैलाया। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." Means वह मुड़ी और उसने कंडक्टर की ओर देख के कहा कि सर ठीक है, मैं आपसे फिर से मिलने की उम्मीद करती हूँ। Okay, madam. यानी वो he answered her smiling, और उसने मुस्कुराते उत्तर दिया कि हाँ ठीक है मैडम। वेन यूर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, यानी जब कभी आपका बस की सवारी करने का मन करे तो आप आ जाइएगा और हमारे साथ हो जाइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग यूर फेयर, और बस का किराया लाना मत भूलिएगा। शी लॉफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से कूद कर बाहर आ गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, वह फिर वह चली और दौड़ते हुए घर की ओर चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. Means जब वह घर में पहुंची तो उसने अपनी माँ को जागा हुआ पाया और वल्ली की एक चाची जो दक्षिणी सड़क से थी उनसे बातचीत करते हुए पाया। This aunt was a real chatterbox. Never closing her mouth once, she started talking. और ये जो आंटी थी, ये चाची वास्तव में बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी, और जब वो एक बार बोलना शुरू कर देती थी तो अपना मुँह कभी बंद नहीं करती थी।
एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली कैम इन। और जैसे ही वल्ली आई तो उसकी चाची ने पूछा कि और तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मीन्स उसने ऐसे ही सहज रूप से पूछा और उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए वल्ली ने मुस्कुरा दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी चाची अपनी बातचीत में फिर से लग गई। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी इतनी सारी चीज़ें हैं हम लोगों के बीच में और बाहर की दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, यानी हमें हर चीज़ का कैसे पता चल सकता है। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानते भी हो तो अक्सर हम उसे पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते, क्या ठीक है। ओ यस ब्रीथेड वल्ली, अब वल्ली ने सांस भर के कहा कि अरे हाँ। वॉट आस्क्ड हर मदर, मीन्स उसकी मम्मी ने कहा कि क्या, वॉट्स डेट यू से, मीन्स आप क्या कह रही हो। ओ सेड वल्ली, अब वल्ली ने कहा कि अरे आई वॉज जस्ट एग्रींग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, मिस मैं केवल उस बात से सहमत हूँ जो आपने अभी अभी कहा उन चीज़ों के बारे में जो हो रहा है हमारे जाने बिना। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल शी, सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा, उसकी चाची ने कहा कि देखो ये छोटी सी लड़की, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू अवर कन्वर्सेशन जस्ट इज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, मीन्स और ये देखो ये हमारी बातचीत में टांग अड़ाती है ठीक उसी तरह जैसे ये एक बड़ी महिला हो। वल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, वल्ली अपने आप पे हंसी। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वह उनको उसकी मुस्कुराहट को समझने नहीं देना चाहती थी। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन फिर भी उसका कोई मौका भी नहीं था, था क्या। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के एस सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण, मीन्स ये जो स्टोरी है ये तमिल से ट्रांसलेट की गई है। ओके सो टुडे वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर, आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।